प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि आपको खुले आसमान के नीचे चाय पीने का शौक है, वो शाम में था, इस वक्त शाम तो नहीं है, लेकिन चाय बनारस की बड़ी मशहूर है, नींबू डाल के चाय पीते आप तो यहाँ पे घाट्स पे काफी आते थे बचपन में, पहले जब आप बड़े हो रहे थे? बचपन में नहीं, मेरा एक जीवन का कालखंड था जब मैंने गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा दर्शन करने के लिए मैं निकला था। ऐसे आप चाय पी सकते हैं या आजकल एसपीजी की इतनी पाबंदी है कि कुछ भी बाहर से छूना आपको अलाउड नहीं? ऐसा है कि वो भी इंसान है, मेरी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके नियमों का मुझे पालन करना पड़ता है। थैंक यू भैया, थैंक यू बहुत। क्या शुभ नाम है? वाह, कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही सर आपकी बड़ी लड़ाई है। बालाजी बंगाल का ही चाय वाला है, आए हुए दीदी से टक्कर आपकी वहां पे बड़ी जबरदस्त चल रही है भाई। बढ़िया चाय है, वाह। प्रधानमंत्री जी, बहुत हद तक फोकस इस कैंपेन में राष्ट्रीय सुरक्षा पे रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि पीएम बार बार बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान रोजगार, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, किसानों की हालत, इन तरह की चीज़ों से भटकाना चाहते हैं। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं कि न्यूट्रल मीडिया है? बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि मेरे जितने भी भाषण हुआ है वो आपके पास रिकॉर्डेड है। हम तो स्पीच एनालिटिका करते हैं, वही उसका एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए एक स्पीच मेरी 40 मिनट की है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी 3-4 मिनट दिया है, बाकी सारे घर, किसान, प्रधान सम्मान निधि, बिजली, सड़क, यही सारे विषय है, आप देख लीजिए। लेकिन अब आपका TRP के लिए आप यही करते रहोगे तो हम क्या करेंगे? सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। आप देखिए 2008 में हम 26/11 के बम धमाकों की चर्चा करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे उसी एक साल में CRPF रामनगर में बम धमाके हुए, जयपुर में बम धमाके हुए, पुणे में बम धमाके हुए, गुवाहाटी में हुए, अहमदाबाद में हुए, याने नवंबर से लेकर कुछ एक साल में। लेकिन सरकार सो ही रही जी। आज मुझे बताइए जो श्रीलंका में हुआ है क्या गुनाह था? ईस्टर का पर्व, दिव्यता की अनुभूति का अवसर, शांति का संदेश को रिवाइव करने की कोशिश, उसे मार दिया जाए। अब उनके सारे धन वैभव सब बेकार हो गया जी, और भारत जैसा देश आतंकवाद दुनिया की चुनौती बन गया है। क्या हम देश को इसके पर सजग नहीं करेंगे? क्या देश को हमारा व्यू पॉइंट समझाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को पूछना चाहिए कि आपने पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बिल्कुल ही नकार क्यों दिया है? क्यों आप देश की सुरक्षा? दूसरा, आप हमारे सुरक्षा बलों को डिमोरलाइज कर करके देश का भला करें कोई? क्या आप सेना को गली का गुंडा कह दो और उसको बाद में बोलने वालों को आप प्रमोशन दे दो? ये कोई तरीका है क्या? आपका कोई नेता पाकिस्तान में जाकर के कहे बस भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है, सिर्फ इसको हटाओ तुम? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हटाएगा क्या? क्या आप लोगों को फुर्सत नहीं है क्या आपके TV चैनलों पर इन चीज़ों पर गंभीरता दे? और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सामने बिल्कुल बेनकाब करना न्यूट्रल मीडिया का काम है कि नहीं है? कांग्रेस के सवालों को लेकर के आप कितने दिन तक घूमते फिरोगे भाई? आप अपने सवाल लेके निकलिए ना। सर, हमारा सवाल है रोजगार को लेके। इंडिया टुडे ग्रुप एक साप्ताहिक ट्रैकर चलाता है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं कि इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। 36% लोगों ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर वन इशू है। क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। आपने बोला होगा, देखा होगा कि CII का रिपोर्ट आया, या हमारे IT सेक्टर का एक एसोसिएशन है उनका भी रिपोर्ट आया,
हाँ नैसकॉम का, इन सब ने कि पहले से कई गुना रोजगार बढ़ा है रिपोर्ट दिए हैं। ईपीएफओ देख लीजिए, हर वर्ष करीब 25 करोड़ नए लोग जुड़े हैं। मुद्रा योजना ले लीजिए, 4.25-4.5 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है, पहली बार जिंदगी में। वो भी तो कोई रोजी रोटी कमाते हैं, किसी को रोजगार देते हैं। तीसरी बात है कि आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको जिस प्रकार से विकास हो रहा है, अगर रोड बन रहे हैं तो क्या भाई बिना रोजगारी को रोड बनते होंगे क्या? बिना रोजगारी को रेल बढ़ती होगी क्या? और मैंने सुना है कि आपके आज तक की जो ऑफिस है उसमें अब बैठने की जगह नहीं है, यानी आपको कई लोगों को खड़े रहना पड़ता है। क्यों? इतने ज़्यादा लोग आपको रिक्रूट करना पड़ा।